दोस्तों, मैं एलपी राकेश, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एलपी राकेश में स्वागत है। और आज की वीडियो रहेगी कि मैंने कैसे अपनी पूरी पानीपत से रोहतक की LR कंप्लीट कर ली है। मैं इस वीडियो में कुछ फ़ोटो के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से लेवकों से मैं गया था और मुझे कितना टाइम लगा LR कंप्लीट करने में। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और मैं रेस्ट के बारे में भी कुछ बताऊंगा थोड़े बहुत। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों को सही करना चाहता हूँ, जो भी चैनल को देखते हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को देख करके भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और मैं अपना सारा चैनल का ग्राफ वगैरह चेक कर रहा था तो उसमें दिखाया गया कि 70% लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग जब भी देखें इस चैनल में आकर के भी, तो सपोर्ट ज़रूर करिए ताकि मैं आप लोगों को आगे जा करके और भी अच्छा अच्छा टॉपिक पर वीडियो दे सकूँ, एजुकेशन रिलेटेड, LP की तैयारी कैसे कर सकते हैं और क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब सारा कुछ डिस्कस कर सकूं ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। और करेंगे तभी हो पाएगा, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है LP के, उन लोगों तक पहुँच रही है और उन लोगों की कुछ हेल्प हो रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगे कि मैं हेल्प कर पा रहा हूँ आप लोगों की। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों की हेल्प पर और अच्छे से कर सकूं। फ्रेंड्स, मैंने अपना LR पानीपत से रोहतक की कंप्लीट कर लिया है और मुझे 5 डेज लगे हैं कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरे पीरियोडिक रेस्ट आ गई थी जो कि मुझे 6 डेज या 7 डेज में कभी भी लग जाती है और वो 30 आवर की रेस्ट रहती है। तो उसके चलते मेरे एक दिन और एक्स्ट्रा मुझे लग गई, तो मेरे 5 डेज में LR कंप्लीट हो गई है और मैं इस सेक्शन में इंडिपेंडेंट ड्यूटी कर सकता हूँ। तो ऐसे मैंने LR कंप्लीट कर लिया। और तो दोस्तों, मैं उस दिन इस वाली लोको में गया था और ये डीजल लोको है और ये लोको का सीरीज़ है WDP3 है और पैसेंजर के लिए यूज़ किया जाता है, पैसेंजर ट्रेन के लिए। और मेरी इसी लोगों में गया था उस दिन में, रात को 22 बजे मेरी साइन ऑन टाइम थी और मैं 22:30 में इस लोगों से गया था और 1.5 आवर में मैं वहां पहुंच गया था रोहतक। और उस दिन इतना अच्छा कोइंसिडेंस था कि मुझे वहीं से तुरंत लोड मिल गई, जिसे मैं अपने हेडक्वार्टर फिर उसी दिन उसी रात में फिर मैं यहाँ अपने हेडक्वार्टर आ गया और फिर मेरी एक LR ट्रिप उस दिन कंप्लीट हो गई थी। और जो दूसरा लोको से मैं रिटर्न आया था, मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, एक फ़ोटो के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं रोहतक पहुँच गया था और वहाँ से मैं रिटर्न इसी लोको से आया था और ये डीजल लोको की सबसे पावरफुल और बहुत ही अच्छा लोको है, कैब फ्रेंडली लोको है। इसमें AC बहुत ही पावरफुल है इस लोको की और अंदर में जो भी है सारे सीट वगैरह बहुत ही अच्छी है और ये देखने में काफ़ी सुंदर है। ये डीजल लोको की सीरीज़ है WDG4J इंजन, जो कि रोजा साइड में इसकी मेंटेनेंस होती है। और देखिए, अंदर से ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर है इसमें और कंफर्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा है इस लोको की। अंदर में कैब फ्रेंडली वर्किंग है, इसमें बिल्कुल भी गर्मी के समय बिल्कुल भी गर्म नहीं लगती है और ये लोको में बिल्कुल पता ही नहीं चलता है वर्किंग जितने आवर की भी होती है। ये लोको स्पेशली गुड्स के लिए, गुड्स सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है और ये लोको काफ़ी अच्छी है। तो इसी से मैं उस दिन आया था, रात में पहुंच गया था 1:40 में, फिर मैं साइन ऑफ करके अपने घर आ गया था रात में। और मेरी सेकेंड LR ट्रिप पानीपत से रोहतक उस दिन कम्प्लीट हो गई थी। और फिर दोस्तों, देखिए, मैं अपने रूम रिटर्न जा रहा हूँ साइन ऑफ करके रात को 2 बजे और आगे मैं कुछ क्लिप दिखाऊंगा। देखिए, इसमें इनका अपना ये ट्रैक है, रात में देखिए कार के ऊपर बैठे हुए हैं।
दोस्तों, ये मेरी सेकेंड ट्रिप LR कंप्लीट हो गई थी और ये थर्ड ट्रिप में फिर से इसी लोको से गया था WDG 4G। और मैं पानीपत से उस दिन निकल गया था 17 बजे और मेरी साइन ऑन टाइम थी 16:15 में। और मेरी एक पीरियोडिक रेस्ट लग गई थी, इसलिए मैं एक दिन बाद गया था थर्ड ट्रिप LR करने पानीपत से रोहतक, और मैं ऐसे कंप्लीट किया था। और फ्रेंड्स देखिए, ये इस लोको से मैं उधर से रोहतक से पानीपत आया था, जो कि इंडियन रेलवे का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। ये WAG 1220 को बोलते हैं, इस सीरीज़ की लोको है और बहुत ही अच्छा लोको है, सबसे पावरफुल है इंडियन रेलवे का लोको। और अंदर से काफ़ी सुंदर है देखने में और एक फ्रेंडली लोको है, इसकी AC भी बहुत पावरफुल है और बहुत ही अच्छा है लोको, एकदम बहुत ही कंफर्टेबिलिटी देता है अंदर। इसी लोको से मैं उस दिन रिटर्न आया था अपने हेडक्वार्टर पानीपत, और मेरी इसी तरह LR थर्ड ट्रिप LR भी कंप्लीट हो गई पानीपत से रोहतक की, और मैंने LR कंप्लीट कर लिया। तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या मैं उस रिलेटेड टॉपिक बनाऊंगा और रेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आज तो मेरी अभी तक कॉल हुई नहीं है ड्यूटी की, तो देखिए कब होता है। और LP जो भी तैयारी कर रहे हो, अपना तैयारी करते रहे ताकि वैकेंसी कभी भी आए आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ अब। और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करिए, क्योंकि हार्डवर्क करेंगे और कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो आप इजीली एग्ज़ाम कोई भी क्रैक कर सकते हैं। तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक और भी आएंगे मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और जो भी है इस चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो कीप सपोर्टिंग एंड बी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिस पे फोकस रहेगा कि मैं LP से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करूँ कि रेस्ट कितने मिलती है और क्या इसमें जनरली काम क्या किया जाता है और कैसा जॉब है, क्या है सारा कुछ इंफॉर्मेशन। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लिंक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।